अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आपको बहुत ही खूबसूरत सा एक दुपट्टा डिज़ाइन मैं बनाना सिखा रही हूँ। ये बहुत ही इजी है और इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है। मैं ये शेफून के दुपट्टे पे बनाऊंगी। आप शेफून के या किसी भी दुपट्टे पे बना सकते हैं, पर सबसे प्यारा ये लगेगा शेफून और गेंजा वगैरह का दुपट्टा हो। और नेट पर इसको थोड़ा सा बनाना मुश्किल होगा, तो कोशिश करें कि अगर शेफून का बना लें तो बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये मैं डिज़ाइनिंग कर चुकी हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने किस तरह से पैटर्न बनाया है। इसके लिए आपको ये जो है रिंग चाहिए, ये जो होता है जिसके साथ हम, इससे ये होगा कि आपका काम जो है वो आपके लिए करना आसान होगा। ये जो पत्ता मैंने ड्रॉ किया है, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने किस तरह से बनाया है। इस तरह से पूरे दुपट्टे के ऊपर आपने इस तरह के पत्ते ड्रॉ करने, इनको बहुत ज़्यादा ड्रॉ नहीं करना। डॉट्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, फ्लावर भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत जो है वो पत्ता लगेगा, इसलिए मैंने पत्ता सेलेक्ट किया है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर दूंगी। पेंसिल बहुत इजीली वॉश हो जाती है और नज़र भी नहीं आएगी जब हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो चलें अपना डिज़ाइन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कि आपने नेट से पत्ता बना एक ड्रॉ करवा लेना है। ये किसी की ड्राइंग अच्छी है तो उस तरह का ये पत्ता बना लें, ठीक है। ट्यूलिप फूल बना सकते हैं आप। तो ये ड्रॉ करने के बाद आपने इस तरह से जब इसको ड्रॉ कर लिया, तो अब आपने इसकी, ये जो मैंने ड्रॉ किया है वो पेपर पे ड्रॉ किया है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी कटिंग करने के बाद आपने इसको रख देना है दुपट्टे के ऊपर, और दुपट्टे के ऊपर जब आप इसको रखेंगे तो आपने वहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। इस तरह से पैटर्न्स बनाए जाते हैं। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आप इंटरनेट पे एनिमेटेड इमेजेस निकालें, फ्लावर लिख दें, लीव लिख दें, वो आपको ड्राइंग लिख सकते हैं आप। तो आपके पास जब पैटर्न आ जाएगा उसके ऊपर आप कंप्यूटर पेज रखेंगे और पेंसिल से उसको ड्रॉ कर लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है, मैं मोस्टली इस तरह करती हूँ, लेकिन अब ये है कि मुझे ड्राइंग काफ़ी मेरी बेहतर हो गई है, तो अब मैं खुद ही से ड्रॉ कर लेती हूँ। तो इस तरह से आपने अच्छी सी पैटर्न ड्रॉ करनी है, और जहाँ जहाँ आप इसको लगाना चाहते हैं पहले पॉइंट्स लगा लें दुपट्टे के ऊपर, और पॉइंट्स लगाने के बाद आप इसको देख लें। अब मैं क्योंकि गोल्डन कलर का यूज़ कर रही हूँ, तो अब आपने गोल्डन गोटा लेना है। ये पतला गोटा बहुत सस्ता मिल जाता है। इसको मैंने इसके नीचे जो है कपड़े के ऊपर रख के मैंने ऊपर से इसको सुई धागे के साथ मैंने इसको सात लाइंस में लेके आऊँगी मैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको सीते जाएंगे, ठीक है। ये गौर से देख लें कि इसको मैंने किस तरह से फिक्स किया है। स्टार्ट से हमने करना है, इसी तरह आप इसको ऊपर लेके आते जाएं। आप चाहे तो आप गोल्डन कलर भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो आप सिल्वर कलर भी यूज़ करते हैं। इट्स ऑल अप टू यू कि आप कौन सा कलर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। गोल्डन बहुत खूबसूरत लगेगा, क्योंकि सिंपल प्लेन जोड़ा है मेरा शेफून का और बेबी पिंक कलर का, जिसके साथ मैं गोल्डन कॉम्बिनेशन कर रही हूँ। कमीज़ दुपट्टा और ये दुपट्टा, कमीज़ ट्राउज़र्स तीनों सेम एक कलर के हैं, और गोल्डन कलर का ऊपर काम होगा, और वो भी थोड़ा बहुत। अब जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो इसको बहुत तरीके से आपने दूसरी साइड पे लेके आना है। धागा मैंने पीला इस्तेमाल किया है, ठीक है। इसको हम पूरा फिल कर लेते हैं और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। अच्छा, बहुत ज़्यादा पैटर्न ड्रॉ नहीं करने, छोटे पत्ते भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बड़े पत्ते करेंगे तो आप तकरीबन 12 कर लें, या आप जो है वो 16 कर लें, इतने कर लें। जो ये तकरीबन जो पत्ता है वो तकरीबन मैंने 6 इंच का पत्ता मैंने रखा है, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, अब मैं आपको उसको कंप्लीट देखें। बीच में भी मैंने एक लाइन लगा ली है, साइडों पे मैंने पत्ता बना लिया, बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा है। अभी मैं इसको और भी फिल करूँगी। अच्छा, अब आपको मैं एक और जो तरीका बता रही हूँ कि ये फूल जब आप लगा लेंगे, आप 10 भी लगा सकते हैं, आप 8 भी लगा सकते हैं, और इससे ज़्यादा बड़ा मत बनाइएगा, क्योंकि वो फिर बुरा लगेगा। अब साइडों पर आप देख सकते हैं कि दुपट्टे की ना पीको हुई भी है और ना ये सिला हुआ है। तो मैं क्या करूँगी कि यही वाला गोटा लेके मैंने इसको थोड़ा सा फोल्ड करना है, और इस तरह से आपने इसको पहले सी लेना है, और उसके बाद आप इसको इधर जो है कटिंग कर लीजिएगा दुपट्टे की, या फिर आप सेम इसी दुपट्टे को लेके आपने ये धागे जो है वो कट कर लेने हैं, और थोड़ा सा फोल्ड करके आपने ये वाली 4 साइड्स पे लगा देनी है। आपने देखा होगा कि जो ब्रांड है आगा नूर, उनके दुपट्टों आपने देखे होंगे, मोस्टली उनके दुपट्टे ऑर्गेन्जा के होते हैं, और उनके दुपट्टों के आसपास सिंपल जो है वो गोटा लगा हुआ होता है, और वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो आप भी ये गोटा, पतला गोटे से बहुत ही खूबसूरत अपना ट्रेंडी दुपट्टा बना सकते हैं। होप आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा, आप इससे ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपने ट्राई किया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। राबिया अहमद ऑफिशियल के नाम से इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है, जिस पे हम एक्टिव होते हैं, और वहाँ आप हमें मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और उसके अलावा हमें ऑर्डर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।